सबको पता है अभी कोरोना वायरस के चलते हुए सब जने घर पर बैठे हैं और सोच रहे हैं कि हम क्या करें। तो हमारे पास कुछ ऐसे कपड़े होंगे जो हमको काफी दिनों से हमें ठीक करने थे, हमें टाइम नहीं मिल रहा होगा, तो इस टाइम हम कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि आपको करना नहीं आता है तो आप कैसे करेंगे, आप ट्राई तो कर सकते हैं, कम से कम बहुत आसान है जिसको थोड़ा बहुत भी आता है। तो जैसे ये मेरे पास स्टिच था, जैसा कि आपने पहले फोटो में देखा, इसकी बाहें लगी हुई थी। तो अब जो है आजकल के बच्चे थोड़ा बाहें कोई नहीं भी पहनना चाहता है, बिना बाहें के पहनना चाहता है, तो हम इसको बिना बाहें के कैसे बनाएंगे। तो हम सबसे पहले हमने ये करा कि हमने इसकी जो बाहें यहाँ पर लगी हुई थी जैसा आपने पहले फोटो में देखा, तो अभी हमने इस बाहों को पहले निकाल देना है यहां से। जब हमने निकाल दिया तो हमारे पास ये ऑलरेडी विदाउट स्लीव्स हो गया, इसकी कटिंग ऑलरेडी थी, ये रेडीमेड ब्लाउज था। फिर हमने इसको जब बाहों को निकाल दिया तो इसको अंदर करना है। तो मैंने एक यहाँ पर ये गोल्डन पाइपिंग पहले से ही ले रखी थी, घर पर पड़ी हुई थी, इसके अंदर कपड़ा लगा के हमने इसको यहां से मोड़ दिया। देखिए विदाउट स्लीव्स अब रेडी हो गया। और इसकी एक और डिफेक्ट हमको रेडीमेड में इसके लग रहा था, इसका गला देखेंगे अगर आप फोटो में ध्यान से, तो इसकी जो ये डिजाइन है उसने टेलर ने जिसने भी पहले सिला था उसने ठीक से नहीं सिला था, तो ये पूरा इसकी फिनिशिंग नहीं थी। अभी उसकी फिनिशिंग भी हो गई, उसकी वजह से ये कितना अच्छा हो गया, देखिए देखने में बहुत सुंदर हो गया है। और इसके पीछे हमने चेन लगवाई है ताकि साइड से खोलते हैं, जब हम इसको साइड से खोलते हैं तो खोलने में प्रॉब्लम होती है, जब हम इसको थोड़ा सा टाइट या ढीला करना हो तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए इसके पीछे लगाई गई है चेन ताकि ये आराम से, यहां पर साइड पे कपड़ा काफी है, यहां से हम एडजस्ट कर सकते हैं। ये एक काम हमारा हो गया इन दिनों, तो थोड़ा ट्राई करने से आप कर सकते हैं। अभी ये हमारा लहंगा है, देखिए कितना भारी है ये। अब कई बार होता है बच्चे नहीं पहन पाते हैं, इतना भारी लहंगा सब समय पूरी पार्टी में पहनकर रखना मुश्किल है, अभी हम इसको क्या करेंगे। ये देखिए कितना भारी लहंगा है, उठाने में भी दिक्कत होती है। ये भारी क्यों है इतना, इसका एक कारण है कि ये देखिए इसके अंदर ये कितना सारा लगा हुआ है, ये देखिए ये 14.5 मीटर इसके अंदर ये कैन लगा रखा है। तो इसको सब समय जब कमर में पहनेंगे तो कैसे पहनेंगे बच्चे, बहुत दिक्कत होगी उसको सब समय पहन के रखने के लिए, तो उनकी कमर में ही दर्द होने लग जाएगा। तो इसका एक अच्छा तरीका हमने सोचा है, अभी मैं बाद में आपको कर भी दिखाऊंगी। ये इसका हम यहां से ये निकाल लेंगे बॉर्डर, और इसके अंदर की जो लाइनिंग है, ये लाइनिंग जो है इसको मैं अलग कर दूंगी, इसको अलग से स्टिच करूंगी और इस पार्ट को अलग से स्टिच कर दूंगी। तो जब आप चाहें मैं बाद में आपको बना के अलग से दिखाएंगे कि कैसे इसको फिर पहनना है, इसको अलग से पहनेंगे और इसको अलग से बांधेंगे हम अलग से, और एडजस्ट भी कर सकेंगे इसकी हाइट अपनी हील के हिसाब से। नहीं तो क्या होता है हम हील के हिसाब से सिलवा लेते हैं, जैसे 2 इंच पहन लिया या 5 इंच पहन लिया, फिर अगर हम बाय चांस चाहें कि हम 2 इंच हील पहन लेंगे तो हम पहन ही नहीं पाते 2 इंच हील को, हमें 5 इंच ही पहननी पड़ती है। और अगर हम 2 इंच पहन लेते हैं तो ये सारा जमीन में आप कहो तो पोचा लगाने वाली बात हो जाती है कि ऑटोमेटिकली फ्लोर साफ करते जाते हैं। ये देखिए अभी हमने लाइनिंग को और ऊपर वाले हिस्से को लहंगे को अलग अलग कर लिया है, दोनों को अलग अलग कर दिया। ये यहां से सिला होता था, ये यहां से सिला हुआ था, इसके साथ में इसको अलग कर दिया। और तो और हमने इसकी बेल्ट जो यहाँ वाली थी वो भी हमने इसकी निकाल कर अलग कर दिया एकदम। अभी ये ऐसे हो गया, ठीक है। अभी हमने खाली सिर्फ यहाँ पर इसके सिलाई लगानी है लहंगे के, और हम इसको ऊपर से थोड़ा थोड़ा मोड़ देंगे। अगर आपकी इच्छा हो ऐसे मोड़ने की तो ऐसे मोड़िए, नहीं तो आप बेटर है कि इसमें खाली जिग जैग लगा ले जिससे इसके धागे ना निकले और ये ब्लॉक हो जाए यहां से, ठीक है। अभी ये हमने इसका खाली इतना सा काम करना है, और ये जो हिस्सा है हमारा लाइनिंग का हिस्सा जो है जिसमें ये कैन लगी हुई इतनी सारी, इसको हम क्या करेंगे अपनी लेंथ के हिसाब से, अपनी हाइट के हिसाब से हम इसको बांधेंगे थोड़ा नीचे यहां पर बांधेंगे थोड़ा। अगर हम ये लहंगा यहां बांधेंगे तो हम इसको यहाँ बांधेंगे और हमको बांट में बांध के दिखाएंगे, लेकिन हमने क्या करना है अभी इसको लेंथ के हिसाब से, जैसे हमारा पेटीकोट होता है हम साड़ी के अंदर से पहनते हैं, उसको हम यहां से पूरी लेंथ के हिसाब से, अगर ये आपके लंबा है तो आप इसको काट देंगे यहां से, और इसको हम ऐसे करके फोल्ड कर देंगे और एक बेल्ट बना लेंगे ऐसे कर,
और उसमें एक हम रस्सी लगा देंगे जिसको हम नाड़ा बोलते हैं, उसको कस देंगे, फिर अपने यहाँ पर ऐसे करके बांधने के लिए, जैसे ये भी ये यहाँ पर ऐसे करके बांध लेंगे हम। ये देखिए अभी हमने लहंगे का नीचे का हिस्सा पूरा रेडी कर लिया, इसको पेटीकोट की तरह बना लिया और इसको अलग से ऐसे नीचे करके बांध दिया गया है, और हील के साथ जितना भी एडजस्ट करना हो अभी आप ऊपर नीचे से कर सकते हैं एडजस्ट, ठीक है। इस अभी हम इससे थोड़ा सा ऊपर एक रस्सी बांधेंगे, रस्सी जो लेंगे या नाड़ा जो भी लेंगे वो थोड़ा मोटा होना चाहिए, पतला लेने से आपकी कमर में दर्द होगा इसलिए थोड़ा मोटा लेना है और उसको टाइट से बांध लेना है। अभी जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम ऊपर सिर से घुसाएंगे ऊपर की तरफ, क्योंकि नीचे से आप इसको पहन नहीं सकते क्योंकि इतने सारे इसके अंदर कैन कैन लगा हुआ है, ऐसे करके ऊपर से घुसाएंगे कमर वाली साइड से, और इसको अच्छी तरह से हम यहाँ पर कम जैसे साड़ी को हम लेंथ देख के इसकी नीचे से जितना एक्स्ट्रा कपड़ा होगा हमारा इसका लहंगे का इसको हम अंदर घुसा देंगे, इस रस्सी में घुसा देंगे। ये हमने रस्सी इसलिए अलग से बांधी है कि अगर आपने फेरों के टाइम भी रहना है और इसको पार्टी के टाइम भी, खाली पार्टी के टाइम जाना है अगर पहन के, तो ऐसे ही घर से सीधा नीचे वाले हिस्से में पेटीकोट की तरह घुसा सकते हैं इसको सीधा। और अगर आपने मान लो ये सेम कपड़े आप फेरों के टाइम पहनना चाहते हैं, शादी में किसी की जाते हैं तो आप नहीं बैठ पा रहे इसको पहनकर, तो आप नीचे वाला कैन कैन वाला निकाल सकते हैं हिस्सा, तो आपका रस्सी में जो है वो लगा रह जाएगा ये वाला लहंगा, और उसका अच्छी तरह से आप दबा लेना। देखिए इस तरह से आप अपनी हील के हिसाब से इसकी लेंथ रख सकते हैं और एक्स्ट्रा कपड़े को आप अंदर की तरफ डाल सकते हैं जो हमने रस्सी बांधी थी, और आप आराम से पार्टी के लिए जा सकते हैं। ये देखिए अभी हमने एक बेल्ट में एक तरफ एक साइड में हुक्स लगा लिया और एक तरफ इसके आई, देखिए अभी हमने कैन कैन खोल दिया है यहाँ पर, और ये बिना कैन कैन के लहंगा पहना हुआ है। अभी कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया, आप देख सकते हैं कि मैं बिना कैन कैन के भी इसको पार्टी में पहन के जा सकती हूँ और इस कैन कैन के साथ भी पहन के जा सकती हूँ। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि ये पहले बाहों के समेत था, अभी विदाउट स्लीव्स है, तो अभी ये कितना प्यारा लग रहा है। थोड़ा पीछे होके दिखाओ, बैक साइड दिखाओ इसका। ये देखिए अभी हमने इसको पूरा अच्छा ठीक से कर दिया, इसकी फिटिंग आ गई है, पूरा ब्लाउज का गला सब ठीक कर दिया, कितना अच्छा लग रहा है अभी। अगर हम लहंगा बिना कैन कैन के पहन के जाएंगे तो आप प्लीज़ रस्सी खाली बांध के मत जाइए, नीचे से ज़रूर पेटीकोट वगैरह कुछ पहन लीजिए, फिर उसकी टकिंग कीजिए ताकि वो अच्छे से आपका ग्रिपिंग रहे उसकी। ये देखिए इस तरह से ये गाउन भी हो जाता है जब हम लहंगे को ऊपर से मोड़ते नहीं हैं, उसको काटते भी नहीं हो, तो उसके ऊपर का जितना भी लंबा हिस्सा होता है उसको ब्लाउज के ऊपर की तरफ मार के ऊपर से अच्छी तरह से, लेकिन उसको टकिंग कर लेनी चाहिए ऊपर की तरफ जहाँ पे कमर आ रही है पूरी आपकी, और उसके ऊपर से ऐसे बेल्ट लगाएंगे तो ये गाउन का पर्पस भी हमारा सॉल्व कर देता है, इसलिए ये मल्टीपर्पस लहंगा बन जाता है। ये देखिए इस तरह से हम कैन कैन को अगर अलग कर लेते हैं तो हम इसी कैन कैन के साथ अपने और लहंगे जिनमें कैन कैन नहीं लगी हुई है उनको यूज कर सकते हैं और उनकी शो हम अलग कर सकते हैं, और हम जब इन्हें कहीं लेकर जाएंगे तो हमारा स्पेस भी कम लगेगा क्योंकि कैन कैन बहुत ज्यादा जगह घेरते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है, मैंने आप सबको वादा किया था कि मैं जो भी कुछ नया सीखूंगी क्वारंटाइन पीरियड में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी, तो ये उनमें से एक और चीज थी। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये टेक्निक अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।